जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। October 16, 2019, उतना रेलवे स्टेशन सूरत, रात 8:40। शेख अशफाक और मोइनुद्दीन नाम के दो नौजवान सूरत से करीब 4.5 किलोमीटर दूर उधना रेलवे स्टेशन से वलसाड़ कानपुर उद्योग कर्मी एक्सप्रेस में सवार होते हैं। दोनों का रिजर्वेशन पहले से कंफर्म था। एसी सेकंड क्लास में 2 टिकट कानपुर सेंट्रल तक बुक थी। 17 अक्टूबर 2019, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, शाम के 7:15। करीब 23 घंटे के सफर के बाद अशफाक और मोइनुद्दीन उद्योग कर्मी एक्सप्रेस से आखिरी स्टेशन यानी कानपुर सेंट्रल उतर जाते हैं। 17 अक्टूबर रात के 8:00 हैरिसगंज कानपुर। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैरिसगंज इलाके में इस कान्हा टेली वर्ल्ड मोबाइल शॉप में पहुंचते हैं। यहां से अशफाक अपने नाम पर एक सिम खरीदता है। सिम कार्ड खरीदने के लिए उसने बाकायदा अपना असली आधार कार्ड दिया था। सिम खरीदने के बाद दोनों दुकानदार से पूछते हैं कि झकरकटी बस अड्डा कहाँ है। ये कानपुर का सबसे बड़ा बस अड्डा है। इसके बाद अगले घंटे भर के अंदर यानी रात करीब 9:30 अशफाक का फोन चालू हो जाता है। कानपुर से लखनऊ तक की दूरी बस से मुश्किल से 2 घंटे की है। इसके बाद दोनों बस के रास्ते कानपुर से लखनऊ पहुंचते हैं। 18 अक्टूबर देर रात 12:08 होटल खालसा इन लाल कुआं लखनऊ। अशफाक और मोइनुद्दीन पुराने लखनऊ के लाल कुआं इलाके में खालसा इन होटल में रात को ही चेक इन करते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। यहाँ भी दोनों अपना असली नाम बताते हैं, साथ ही आईडी प्रूफ के तौर पर असली आधार कार्ड भी देते हैं। जरूरी कवायद के बाद होटल मैनेजर दोनों को ग्राउंड फ्लोर पर ही कमरा नंबर G103 की चाबी थमा देता है। चाबी मिलते ही दोनों कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। एक कंधे पर अपना बैग रखता है जबकि दूसरा हाथ में बैग उठाता है। दोनों ने इस वक्त जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है जबकि एक के सिर पर कैप है। कमरे में जाने के बाद दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। भाई जी सत्संग में खड़े हुए थे जी, वो लोग आए थे जी, तब वही इंटरव्यू वगैरह हो रही थी, इंटरव्यू हो गई उसके बाद उन्होंने ऑर्डर के लिए बोला था, ऑर्डर उनको जो थाली दिखाई थी वो मेनू कार्ड अपना दिखाया दिया वाला मेनू कार्ड। अच्छा, वो दाल चावल कुछ चार रोटी वगैरह कुछ कर रहे थे तो हमने उन्हें फंसाने की कोशिश की महंगा सामान लें, तो ये दिलाया था 200 की थाल। अच्छा, उसके बाद रूम में लेके गए थे मैं, रूम में वही नॉर्मल जिसे लेटते हैं गेस्ट वगैरह वही से थे। 18 अक्टूबर सुबह 11:38 खालसा इन होटल लखनऊ। होटल में चेक इन के बाद अशफाक और मोइनुद्दीन पहली बार होटल से बाहर निकल रहे थे, पर इस वक्त हुलिया बदला हुआ है। दोनों ने भगवा रंग का कुर्ता पहन रखा है, हाथ में एक पॉलिथिन भी है, इसी में मिठाई का डब्बा रखा है। रिसेप्शन पर आने के बाद दोनों काउंटर पर बैठे मैनेजर से एक पता पूछते हैं। वो सुबह तैयार होके और बाहर निकले हैं और मुझसे एक पता पूछ रहे थे, बाबा अब्बास की मज़ार, जो जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर लोकेलिटी बताएं तो मैं उसकी एरिया बता दूंगा। तो उनको कुछ जानकारी ना मिल पाने की वजह से उन्होंने अपना एक अंदाज़ा लगाया कि चौक की तरफ, तो मैंने कहा हाँ चौक इस तरफ से आप जा सकते हैं, और फिर उसके बाद वो चले गए और मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती है। इसके बाद चौक की तरफ जाने का कहकर दोनों होटल से रवाना हो जाते हैं।
18 अक्टूबर 2019 दोपहर करीब 12:30 बजे खुर्शीदाबाग लखनऊ। होटल खालसा इन से खुर्शीदाबाग में अखिल भारतीय हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय और कमलेश तिवारी के घर की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। होटल से निकलने के 50 मिनट बाद अशफाक और मोइनुद्दीन कमलेश तिवारी के घर में मौजूद इस कार्यालय में पहुंचते हैं। दोनों की सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर उसी वक्त की है। अशफाक कमलेश तिवारी से रोहित सोलंकी बनकर मिलता है। अशफाक ने रोहित सोलंकी के नाम से एक फेक फेसबुक आईडी बनाया था और उसी के जरिए कमलेश तिवारी के संपर्क में आया था। बहाना ये था कि सूरत में हिंदू समाज पार्टी को खड़ा करना है। कमलेश चूंकि फेसबुक के जरिए रोहित सोलंकी यानी अशफाक से संपर्क में था, लिहाजा घर में आने के बाद दोनों की लंबी बातचीत होती है। कमलेश तिवारी अशफाक और मोइनुद्दीन को चाय और दही बड़े खिलाता है, जबकि अशफाक उसे सूरत की मिठाई का डिब्बा भेंट में देता है। इसके बाद मौका मिलते ही कमलेश तिवारी का कत्ल कर दोनों वहां से निकल जाते हैं। 18 अक्टूबर, होटल खालसा इन लखनऊ, दोपहर के 1:21। दोनों वापस होटल में आते हैं उसी भगवा कुर्ते में, काउंटर से चाबी लेते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। 18 अक्टूबर, होटल खालसा इन लखनऊ, दोपहर 1:40। करीब 20 मिनट तक कमरे में रहने के बाद दोनों वापस नीचे रिसेप्शन पर आते हैं। अब दोनों ने कपड़े बदल लिए थे। इसके बाद चाबी काउंटर पर देकर होटल से निकल जाते हैं। इस बार दोनों के हाथ खाली थे, मगर अब की जाने के बाद वो वापस होटल में नहीं आते, जबकि उन्होंने कमरे 2 दिन के लिए लिए थे। 19 अक्टूबर, होटल खालसा इन लखनऊ, शाम के 5:00। अब तक कमलेश तिवारी के कत्ल की बात शहर भर में फैल चुकी थी। मीडिया तस्वीरें दिखा रहा था। उधर दोनों होटल वापस नहीं आए थे। शक होने पर मैनेजर ने कमरा नंबर G103 खुलवाया। वही दोनों भगवा कुर्ते कमरे में पड़े मिले। एक पर खून के निशान भी थे। खून से सना चाकू भी कमरे में था। होटल स्टाफ ने फौरन पुलिस को फोन घुमा दिया। पुलिस को पता खुद हम लोग ने जानकारी दिया है कि संदेह कुछ मुझे लगा था। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो उस नाम का बंदा हमारे रूम से भाग चुका था, क्योंकि हमारे पैसे वापस मिले नहीं थे पैसे, इसलिए हमने एक बार जानकारी करना सोचा। तो आईडी जब उसका निकाला तो मुझे वो दो नाम वही मिले जो दो नाम न्यूज़ में चल रहे थे। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी आई। खून से सना एक कुर्ता कमरे में कुर्सी पर पड़ा था, जबकि दूसरा अलमारी में। चाकू भी कमरे से बरामद हो गया। दोनों के कपड़े और बैग भी कमरे में वैसे ही पड़े थे, पर अशफाक और मोइनुद्दीन गायब थे। देख सकते हैं अभी फिलहाल प्रशासन ने इस कमरे को सील कर दिया है G103 को, और वो जो कपड़े मिले खून से सने हुए उन्हें प्रशासन ले जा चुका है। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर होटलों की तादाद है। बताया ये जा रहा है कि दोबारा भी वो लोग लौटे थे यहां पर और अपने कपड़े फिर उन्होंने यहां बदले और उसके बाद यहां से फरार हुए हैं। तो पुलिस को अभी उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में उनके लास्ट लोकेशन मिली है। उधर कमलेश तिवारी के घर से पुलिस को मिठाई का जो डब्बा मिला था उसके अंदर से एक बिल भी मिला। ये बिल सूरत की उसी धरती स्वीट शॉप का था जहां से मिठाई खरीदी गई थी। बिल पर तारीख थी 16 अक्टूबर और बिल निकालने का वक्त दर्ज था 9:03। अब यही बिल पुलिस के लिए सबसे कारगर साबित होने जा रहा था। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में वारदात की जगह से मिला मिठाई का डिब्बा और मिठाई खरीदने का बिल एटीएस के लिए सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा नेटवर्क के आधार पर गुजरात एटीएस हत्यारों तक पहुंच गई। यूपी पुलिस फौरन इस बिल की डिटेल सूरत पुलिस को भेजती है। धरती स्वीट्स की ये दुकान सूरत के उधना इलाके में है। सूरत पुलिस फौरन धरती स्वीट्स पहुंचती है और 16 अक्टूबर रात 9:03 की सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। तस्वीर में एक नौजवान दिखता है,
फौरन उसकी तस्वीर लेकर लोकल पुलिस दुकान से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बस्ती में पहुंचती है। कुछ लोग तस्वीर पहचान लेते हैं। तस्वीर रशीद पठान की थी। रात 12 बजते बजते सूरत पुलिस रशीद पठान के घर में थी। इसके बाद रशीद के जरिए फैजान और मोहसिन का नाम सामने आता है। पुलिस रशीद के फोन से ही फैजान और मोहसिन को फोन करवाती है और दोनों को रशीद के घर बुलाने को कहती है। इसके बाद मोहसिन और फैजान रशीद के घर पहुंचते हैं। अब तीनों सूरत पुलिस के कब्जे में थे। इसके बाद पुलिस तीनों को रात करीब 2:10 पर लेकर यहां से निकल जाती है। ये उसी वक्त की तस्वीर है। तो रशीद, फैजान और मोहसिन पुलिस के कब्जे में थे, जुर्म कबूल कर चुके थे, मगर अशफाक और मोइनुद्दीन का हाथ आना अभी बाकी है। देर सवेर वो भी हाथ आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस की माने तो जिस तरह हर जगह इन्होंने खुलकर अपनी असली पहचान जाहिर की है, उससे साफ है कि वो जानबूझकर सबूत छोड़ रहे थे। सूरत से गोपी घांगर और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।